गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज हम 1.3 लेने जा रहे हैं। 1.3 में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था, सेकंड क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इसमें थोड़ा सा लिखने का वर्क ज़्यादा है, ठीक है, समझने से ज़्यादा। देखिए क्या दे रखी है इक्वेशन हमें, 1.1/7 = दे रखा है 0.142857 दे रखा है, और इसके ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर बार का साइन हटाएंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, 1/7 0.142857 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर सकता हूं मैं इसको। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें निकालना है मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ठीक है, ये हमें कुछ वैल्यू निकालनी है, एंड 6/7 विदाउट परफॉर्मिंग, ठीक है, विदाउट परफॉर्म किए हुए निकालना है, तो ठीक है 2/7, 3/7, ठीक है, कैन बी रीराइट एज अ। अब हमको इसको क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सभी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नीचे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2/1 कैन बी राइट, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 2/7, 2, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको सभी को, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 2/1/7, देखो पहला सॉल्व करके बता रहा हूँ, 2/1/7 क्या हो जाएगा, 2 × 0.142857, यही थी संख्या, ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 में इसका होगा तो 2.2 something हो जाएगा, 0.2 0.2857 14 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1/7 मतलब 3 × 0.42857 होगा, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 × 0.142857, ऐसे ही 5 का करेंगे हम, और देन ऐसे ही किसका करेंगे, 6 का भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 से सबने मल्टीप्लाई हुआ है ना, 3, 4, 5 से ये बढ़ता जा रहा है, 2 से हुआ, 3 से हुआ, अब किससे करेंगे, 4 से, फिर देन 5 से, 5 × 0.42857, 6 × 0.142857, ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, जो एज वेल निकल के आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42857 बना है, ठीक है, 4 का करेंगे तो 0.571 428 आया, ठीक है, ऐसे ही जब 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.74285 आया, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस सारे हैं, ठीक है, मतलब आगे डॉट डॉट लगाते जाएंगे, ये चलते जाएंगे, ये बंद नहीं है, ठीक है। जब 6 का करा हमने तो 6 से भी क्या आया, 0.857, ठीक है, डिवाइड कर लेना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस समझने के लिए, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई वगैरह ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन देंगे नहीं, पर हम समझ लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमने कर दिया भैया, सभी को शॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, ठीक है, ऐसे ही करना है, स्टडी करके बता दिया कि कैसे क्या शो आउट होंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में तीन क्वेश्चन दे रखे हैं,
बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमको क्या करना है, एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग ऑफ ए पी अपॉन में क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखिए थर्ड का फर्स्ट में बता देता हूँ क्या है, 0.6 और 12 वगैरह, तो 12 को हटाएंगे तो मैंने अभी बताया क्या, मैं सपोज देख करेंगे सबसे पहले तो ले एक्स इक्वल्स टू 0.6 बार, ये सपोज देख करा मैंने। ठीक है, क्लियर है सभी को, तो क्या हो जाएगा x equals to 0.6666 dot dot dot, मैंने अभी बताया आपको कि ये चलता जाएगा जब भी बार हटाएंगे। अब मल्टीप्लाई क्या करते हैं, दोनों साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। तो कर लेते हैं दोनों पक्षों में क्या हो जाएगा, 10x equals to 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, 0.666 में, तो क्या हो जाएगा 6.666 समथिंग ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट में से सेकंड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो कर देते हैं, लिखते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड, तो चेंज आउट करते हैं, या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, जैसा करना आपको, सेकंड में से फर्स्ट को करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, दिक्कत नहीं। 10x 6.6666 माइनस का x 0.6666 क्या बचेगा, यहाँ पे 9x बचेगा इक्वल्स टू, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 6 केवल, है ना, जिसमें माइनस हो जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन में 9, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, क्या आ गई x की वैल्यू, अब आ गई हमारे पास 2 by 3। अब इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, कन्वर्ट करा हमने तो क्या आ गया, कन्वर्टेड 0.26। अब यहाँ पे लिख सकते हो आंसर, इसको चेंज करा था हमने 0.6 को 2/3 इसको p अपॉन q के फॉर्म, ये चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ थर्ड के सेकंड और थर्ड भी ऐसे ही, सब में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 10 से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ले लेते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं अपन। फोर्थ में भी ऐसे ही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सपोज देख करेंगे, लेट सपोज x इक्वल्स टू क्या है 0.9999, ये बन गई हमारी इक्वेशन फॉर्म। फिर से वही काम, b मल्टीप्लाई या ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 9.9999 हो जाएगा, 9.9999 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड में भी। फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या है 10x इक्वल्स टू 9.999, इसमें से माइनस एक्स हुआ क्या हुआ 0.9999 माइनस हुआ, जब माइनस होगा तो क्या बचेगा एक्स इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू क्या बचा 9, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन में 9 बन गया, 9 बन गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमने जब इसको चेंज करा किस फॉर्मेट में, p अपॉन q के, तो हम क्या लिख देंगे आंसर में, अभी बताया था मैंने किसको करा हमने 0.9999 को किसको करा 1 अपॉन में 1, तो
करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, मजेदार है क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट की वजह से घबराइएगा, बाकी क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अब हम लेते हैं, सिक्स्थ सॉरी, है ना, लेट सिक्स्थ में है नहीं कुछ, लेट अस्टेक बुक में दे रखा है, क्या दे रखा है, एग्जांपल लेट बीटेक, बीटेक एग्जांपल उदाहरण हम क्या मान लेते हैं, उदाहरण हम कुछ मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं इसमें P अपॉन क्यू के फॉर्म में लेना है ना, तो ले लेते हैं 5 upon 2, 5 upon 4, 5 upon 2 upon 5, 2 upon 10, 2 upon 5, 2 upon 10 और ले लेते हैं 5 upon 16, ये कुछ मैंने एग्जांपल ले लिए, इनको किस फॉर्म में है, अब तक P अपॉन में क्यू के फॉर्म में आप देख रहे होंगे, किस फॉर्म में, ऑफ द पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, पी अपॉन अपॉन में डिजिट है, तो अगर डिवाइड करता हूं मैं 5 बाय 2 को, क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा समथिंग, ठीक है, ऐसे 5.4 अपॉन में 4 को डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, 2 अपॉन में 5 को डिवाइड करता हूं, 2 अपॉन में 10 को डिवाइड करता हूं, सभी को डिवाइड करता हूं आपको 5 अपॉन में 16, इन सभी को जब डिवाइड करूंगा तो 2/5 को करूंगा तो आ जाएगा समथिंग 0.4, ठीक है, इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.2, 2/20 और 0.3125, ये मैंने डिवाइड करे तो आया इसके, ठीक है। अब ये क्या है, 2 की पावर m5, वेयर m इज इक्वल्स टू 0 1 2 और n इक्वल्स टू 0 1 2 3 इन द p, बस अब लिखना है आपको ये किस में है, वेयर 2 की पावर m और 5 की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 और n की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 1 2। अब ये किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म p अपॉन क्यू के, आपको दिख रहा होगा p अपॉन क्यू के फॉर्म में ही हम इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डिटरमिनेंट के वो बता दें, तो ये भी बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल मान लेता हूं भैया, उदाहरण √2 की क्या होती है वैल्यू, 1.4142 होती है, 1.4142 होती है, यही होती है, √3 की होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73205, ठीक है, ऐसे ही रूट 7 की वैल्यू होती है, रूट 7 की 2.64575, ठीक है, तो बस यही हमको बताना था कि कुछ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरमेंट क्या लेते थे, नंबर लेके बताना था, चूज द डेसिमल फॉर्म में, तो ये बता दिया। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में देखेंगे बेटा आप लोग, तो नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है आपका 1.3 का लास्ट वाला, इसमें क्या बताना है हमको,
बताना है क्लासिफाई करके, ठीक है, फॉर द नंबर आर रेशनल और इरेशनल, ये हमें बताना है रेशनल और इरेशनल। नाइन्थ वाले क्वेश्चन का एट वाला मैंने होमवर्क दिया है, आप लोगों को कर लोगे। रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 इजीली हो जाएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेना। क्लासीफाई करके बताना है, देखो इसका फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, रूट 23। रूट 23 का क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे हटाएंगे 4.79 7958 3 बनेगा। अब ये क्या है, ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, इरेशनल, ठीक है, क्या नंबर है ये, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला आप देखोगे तो सेकंड वाले में क्या दे रखा है, रूट 225। 225 किसका होता है, 15 का होता है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, ये रेशनल नंबर होगा। थर्ड आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी इरेशनल रेशनल लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 0.376 ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसके आगे भी क्या लिखेंगे आप, रेशनल नंबर है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फोर्थ वाला आप देखेंगे 7.478478, अब ये क्या है, डॉट डॉट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया था मैंने। फिफ्थ वाला क्या है, ये पॉइंट पॉइंट में है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, जो फिफ्थ वाला है आपका वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है, इरेशनल, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक दो क्वेश्चन ही मैंने छोड़े हैं इसमें, और एक तो आपको एट वाला करना है, बाकी अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। कल हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज को हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि उसमें है नहीं, 1.5 हम कल से चालू करेंगे।